रहे तैयार, अगले कुछ महीने पड़ सकती है महंगाई की मार। महंगाई के कम होने के फिलहाल आसार नहीं है, बल्कि आने वाले 6 महीनों में यह और बढ़ सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने ब्याज दरों में बदलाव न करते हुए यथास्थिति को बरकरार रखे ऐसे संकेत दिए हैं। ब्याज दरों में कटौती नहीं करने की जो वजह रिजर्व बैंक ने बताई है वो आम आदमी की चिंता बढ़ाने वाली है। रिजर्व बैंक का अनुमान है कि आने वाले महीनों में महंगाई बढ़ सकती है, हालांकि रिजर्व बैंक ने अपने अनुमान में बहुत अधिक बदलाव नहीं किया है। त्योहार के मौसम से पहले कम कीमत पर कर्ज मिलने की उम्मीदों को धक्का देते हुए रेपो रेट 6% बरकरार रखा गया है। रेपो रेट वो दर है जिस पर रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को कर्ज देता है। रिजर्व बैंक का अनुमान है कि महंगाई दर मौजूदा स्तर से बढ़ सकती है और आने वाले 6 महीनों में दर 4.26% के बीच हो सकती है। कम हुआ आर्थिक विकास का अनुमान। RBI ने 2017-18 के ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रोथ के अनुमान में भी कटौती कर ली है। पहले 7.3% विकास का अनुमान था, अब इसे 6.7% कर लिया गया है। ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रोथ का मतलब होता है उत्पादन में से खपत का खर्च घटाकर आंका जाने वाला विकास। बुधवार को मौद्रिक नीति से जुड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में RBI गवर्नर उर्जित पटेल ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कमजोर होने पर भी चिंता जाहिर की। इस साल जून से लेकर अगस्त तक महंगाई दर में 2 गुनी से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। जून में यह 1.5%, जुलाई में 2.36% और अगस्त में 3.4% थी। पिछले साल अक्टूबर और इस साल अगस्त में ब्याज दरों में कटौती की गई थी।